कितने ईयर से ये चल रहा है टेम्पल? हाँ ना, कब से टेम्पल स्टार्ट? रुक ही नहीं रही भाई, फोटो नहीं ले रही मेरे साथ। हे गाइस, यू वोमी, वेलकम बैक टू यूनिवर्स। सो लेट्स डू दिस इन अ साइकेडेलिक बूम बेबी। ओके, तो हम यहाँ पर हसागट्टा लेक आए हैं, हसागट्टा में है। तो अभी आगे जाएंगे और देखेंगे कैसा होगा, एक्सप्लोर करेंगे। और मेरा बहुत मन था इधर पे आने का पहले से ही, लेकिन अभी मेरे दोस्त के साथ आया हूँ, तो जाएंगे देखेंगे कैसा होगा। और जस्ट फॉलो द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक इट, बूम बेबी, लेट्स गो। बार आया हूँ मैं इधर पे, देखते हैं क्या सीन होगा। वेदर तो बहुत क्रेजी हो गया। मैं इस टाइम पे हमेशा धूप होती है, लेकिन सॉरी, इस टाइम पे हमेशा बारिश होती है, लेकिन अभी धूप हो रही है। और अभी ये ब्रिज है, यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से निकलते हैं। बहुत ट्रिकी लग रहा है ब्रो। देखिए, यहाँ पर आएगा तो मेरे को डीएम कर देना, मेरे को मेंशन कर देना स्टोरी में। मेरा इंस्टाग्राम है ओमी अंडरस्कोर वर्स। तो अभी आगे चलते हैं। मेरे को ये पता नहीं है क्या है, लेकिन मेरा दोस्त बोल रहा है कि जब पानी भर जाता है ना, जब बारिश आती है तो पानी पूरा इधर तक भर जाता है। तो उधर लिखा भी हुआ सेंटीमीटर में, दैट इज सेंटीमीटर और मीटर, आई डोंट नो। वैसा फिट फिट होगा, फिट फिट है, ऐसे पूरा पानी भर जाएगा। और यहाँ पर जाने का रास्ता भी यहाँ पे होता तो वो एक्सप्लोर करते बहुत खतरनाक लग रहा है मेरे को। लेकिन लेक में उतना पानी नहीं है, तो देखें क्या सीन। अभी चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ब्रो इधर तो। अभी आगे टेम्पल है, दिखा रहा हूँ, वो उधर पे जाना है हमको भी। ओके गाइस, तो ये दुर्गा टेम्पल है, दिखाता हूँ मैं। तो ये दुर्गा टेम्पल है लेक, हसागट्टा लेक के पास। तो यहाँ पे आओगे तो बताना मेरे को। कितने ईयर से ये चल रहा है टेम्पल? हाँ ना, कब से टेम्पल स्टार्ट पूछना ब्रो। जा, ये जो सारे चेहरे इकट्ठा होकर कटे हो गए। व्हाट इज सेइंग? 300-400 इयर्स पुराना है ब्रो। देखो कहाँ पर आ गए, फुल बिफोर क्राइस्ट वाला सीन चल रहा है इधर। बाबा की थग लाइफ फुल। ನಮಗೆ ಹೊಸ್ತಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಎಳೆದು ಹೊಸ್ತ ಕಟ್ಟಿರೋದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊಸ್ತ ಕಟ್ಟಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 4 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಕಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಮಿಡ ಅವಾಗ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಕಂಗೇತು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾಡಿರು. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಜ್ಞಾನಿ यहाँ जाने का मन था, लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि क्लोज्ड है। दिखाता हूँ, क्लोज नहीं होता तो पक्का जाते हैं यहाँ पर ब्रो। मेरे को यहाँ पर क्या क्रेजी वीडियो आती है। विच वे ब्रो? या लाइक दैट जंप, यू हैव टू जंप नो। बहुत डेंजर है भाई ये रास्ते से उतरने के लिए। पीछे वो लेक दिख रहा है, वहां पर आना था हमको, मतलब आ गए हैं हम और अभी वहां जाएंगे। भाई मेरा आ ही रहा अभी तक, मैं थोड़ा फास्ट हूँ ना तो। और ये लग रहा, दिखाऊं, अकेला सा पेड़ बिल्कुल सुनसान। क्रिकेट से बहुत बचती है भाई।
रील बनाने के चक्कर में अपन भूल गए कि यहाँ पे हमको फोटो वोटो भी लेनी है। अब यहाँ पे आगे जाएंगे और फोटो लेंगे। क्रेज यहाँ पे इतने सारे काउस है ना, बहुत ज़्यादा ही काउस है ये कलर में, और थोड़े वाइट ब्राउन ऐसे मैशअप है, मैशअप मैशअप दिखाता हूँ। अब एक तो एक तो यहाँ स्टार्ट होता है, इतने सारे फुल यहाँ तक एंड तक है, यहाँ तक फुल काउस है। ब्रो पहली बार मेरे से कोई जानवर डर के भाग रहा है भाई, ये देख ये भाग रही है। ओए फोटो ना क्या, ये देख भाग रही है। अबे फोटो ले ले यार, ये भी भाग रहे, ये देख रुक ही नहीं रही भाई, फोटो नहीं ले रही मेरे साथ, रुक जाओ ए। ये देख भागे जा रही है दोनों। ओए ओए रुक जा, फोटो ले ले भाई एक। ओए ओए ओके तो ये लेक यहीं पे ख़त्म होता है। बारिश भी हो रही है, अभी भीग भी गए, वीडियोस बनाए, एक्सप्लोर किया, बहुत सारे काऊ को मिले, दिखाता हूँ। ये रहे डिफरेंट डिफरेंट कलर के काऊ, आज तक देखे नहीं ऐसा, बहुत क्रेजी जगह थी यहाँ पर, तुम्हें विजिट करना चाहिए। ये है हसरकट्टा में लेक, हसरकट्टा लेक बोलते हैं इसको, और आगे जाके एक मंदिर भी है, तो वो भी तुम विजिट कर सकते हो, और बहुत वर्थ इट है। किसी के साथ भी आ सकते हो, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, और किसी के साथ भी। सो ये पार्ट यहीं पे एंड करते हैं, अभी आगे जाके मैं शायद जिम जाऊँगा, तो लेट्स डू इट ब्रो, बूम। ये मैं गाय को देखा था, मम्मी ने बोला था अबे रोड गंदा कर दिया भाई मैंने तो, आई होप कि खा लेगी। जय माता बाबा। ओके तुम्हें कैसी लगी वो जगह, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जहाँ पर मैं गया था, हसरकट्टा लेक। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि कल मैं जिम नहीं जा पाया था क्योंकि बारिश हो गई थी घर आने के बाद, तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ और फिर लेट्स गो ब्रो बूम बेबी। ओके तो मैं आ चुका हूँ जिम में, वार्म अप भी हो गया और थोड़ा बहुत सेट भी मार दिया मैंने, तो मैं 5 एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो हेल्प करेगी तुम्हारी वाइट बैक के लिए, तो लेट्स गो बूम बेबी। बैकवर्ड पर स्टार्ट करो तो हमेशा पुलअप से स्टार्ट करना, वार्म अप के लिए तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो मैं जिम करके आ गया वापस, घर भी आ गया मैं, और ये मैं आउटरो में को शूट कर रहा था क्योंकि मैंने कुछ शूट नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इतनी मेहनत की वीडियो के लिए तो मैं आउटरो शूट कर रहा तो बनते ही है ना। तो अगर इधर तक वीडियो देख लिए तो प्लीज ब्रो बहुत थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना, और दोस्तों में फैला देना वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एंड पीस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मचाते रहो बाबा। ओके और जल्दी मिलता हूँ।